अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैं आपके लिए क्या हूँ, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जिसके अंदर हमने यूज़ किए हैं 10 प्लेटें। ये भी 6 प्लेटें हमने इधर ऐड कर दी हैं, बाकी 4 प्लेटें और लगाएंगे। 545 वाट की ये प्लेटें हैं, लॉन्ची कंपनी की डॉक्यूमेंट वाली, और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेट से ये देखिए यहाँ पे भी और इंस्टॉल कर रहे हैं हम, 2 प्लेटें और ही हमने यहाँ पे लगा दी हैं। और इसके अलावा जो इन्वर्टर हमने यूज़ किया वो टेस्ला वालों का है, 5 किलोवाट का, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, 48 वोल्ट के अंदर आता है, 4 बैटरी लगती है इसके अंदर अगर आप टोपला लाएंगे। लेकिन हमने इसके अंदर लगाई है लिथियम बैटरी नराडा कंपनी की, 48 वोल्ट 100 एम्पेयर, जो बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है, और तकरीबन जो है आप समझ लें कि 7 से 8 साल उसकी लाइफ होती है। एक दफ़ा आप इन्वेस्टमेंट करें उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी, ना कोई मेंटेनेंस है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो वो बैटरी हमने इसके अंदर लगाई, कंप्लीट इंस्टॉलेशन देखिएगा आप, ताकि आपको हर एक पॉइंट पता लग सके क्या खर्चा है, ये इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊँगा। हेड टेस्ला 5 किलोवाट की अनबॉक्सिंग करते हैं अभी हम। सबसे पहले इसके अंदर देखने को मिलेगा इसके अंदर वारंटी कार्ड है और ये सीडी लगी है सॉफ्टवेयर की, और प्रेडर करने के लिए जो है ये वायर दिए हुए, कम्युनिकेशन वायर दिए हुए, जिसे दूसरा इन्वर्टर प्रेडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभी इन्वर्टर हम अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखिए टेस्ला वाला वो इन्वर्टर है, ये बहुत ज़बरदस्त इन्वर्टर है, जिस तरह वेव का होता है इसे इसका भी रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट बड़ा प्यारा है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं इसका, ये इसकी एलसीडी दी हुई है। बाकी अगर मैं नीचे दिखाऊँ आपको तो ये और इनपुट आउटपुट का दिया हुआ है उन्होंने, सिंगल आउटपुट के अंदर ही आता है। बाकी ये हो गया बैटरी के बाहर 2 फैन लगे हुए, ये हो गया पीवी। इसके अलावा जो है इसमें आपको बताता हूँ वोल्टेज रेंज वगैरह, 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, और इसी के साथ साथ जो है 48 वोल्ट में ये आता है, ठीक है, 5000 वाट तक पावर उठाएगा, और जो सोलर पावर है वो भी 5000 वाट है इसका रेट, यानी कि 10 फैन लगा सकते हैं हम इसके अंदर 545 वाले, और जो वोल्टेज रेंज है 120 से 450 तक है मैक्सिमम, जो सोलर वोल्टेज है 500 तक है इसकी, यानी कि 10 फैन को हम सीरीज़ में कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये 10 फैन अभी हम इसमें लगा रहे हैं 545 वाले, वो हम सीरीज़ में लाएंगे सारे पैनल, ताकि उसके वोल्ट 500 के अंदर रहें। और जो नॉर्मल इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़रा सा हाई है, वो 120 जो है, यानी कि इतनी हाई नहीं है, 3 पैनल से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 4 पैनल आप लगाएंगे तो अच्छी वर्किंग करेगा। ये देख सकते हैं बैटरी नराडा की लिथियम बैटरी 48 वोल्ट के अंदर ये आती है, और 100 एम्पीयर की बैटरी है, बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी, न्यू बैटरी है, ये आप एक दफ़ा लगवा लेंगे आपकी जान छूट जाएगी, मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है ये, इसके अंदर कोई आपने पानी चेक नहीं करना, और तकरीबन इसकी 8 साल लाइफ होती है। जहाँ आप 4 बैटरियाँ लगाएंगे ट्यूबलर वाली, वहाँ 1 बैटरी लगाएंगे जगह भी कम गिरेगी, और मेंटेनेंस फ्री होती है, चार्जिंग जो है इसकी बहुत जल्दी हो जाती है, और जो चार्ज में ये टाइम लगाती है, लाइफ इसकी ज़्यादा सर लाइफ सर्कल इसकी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी रेंज हो तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो है लिथियम बैटरी पर ही आएँ, और एक दफ़ा खर्चा करके फिर ये कि आपकी लाइफ आसानी में हो जाएगी। तो चलें इसको अभी इंस्टॉल करते हैं हम। चलिए जी, सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ थोड़ी सी सिस्टम की। ये टेस्ला वाले का लगा हुआ है इसके अंदर इन्वर्टर 5 किलोवाट का, और इस वक्त जो है तकरीबन 5:30 बज रहे हैं, तो जो सोलर के जो वो है ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन 120 वोल्ट आ रहे हैं, और सोलर थोड़े से अभी डस्ट में भी है, इसलिए सोलर की प्रोवाइड नहीं आई, थोड़ी बहुत आ रही है, उससे बैटरी चार्ज हो रही है, बाकी सेटिंग मैंने ऐसी कंप्लीट कर दी है। तकरीबन 5 किलोवाट 10 प्लेटें लगेंगी इसके अंदर, 555 वाली लॉन्जी कंपनी की, तकरीबन ये इनको 4 किलोवाट तक लोड देंगे दिन में जब इस पर लोड डालेंगे। ये इन्वर्टर आ गया, इसके अलावा ये लगा हुआ है डीबी बॉक्स, इसके अंदर हमने लगाया हुआ वोल्टेज प्रोटेक्शन मीटर लगाया हुआ है, इसके अंदर ये इनपुट का ब्रेकर आ गया, ये आउटपुट ब्रेकर है, साथ ही ये शैनर वाला का लगा हुआ है टेस्ट का सोलर का ब्रेकर, इसके अलावा जो है ये चेंजेबल लगा हुआ है एक, और 32 एम्पीयर का, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमसे इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, सिस्टम लगवाना चाहते हैं पूरा, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस तरह देख लें, हमने लिथियम बैटरीज के अंदर यूज़ की नराडा वालों की, 48 वोल्ट के अंदर ही आती है 100 एम्पीयर की। अगर आपका बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिथियम बैटरी पे आएँ, क्योंकि इसके अंदर जो है मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, 8 साल की इसकी लाइफ होती है तकरीबन, और कोई मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं है, आपने ना पानी चेंज करना है, और जगह देख सकते हैं आपकी कितनी सी इसने घेरी है, यानी कि 48 वोल्ट में एक ही बैटरी है 100 एम्पीयर की, इसकी जगह अगर आप टोपला लगाते हो 4 बैटरी आपको लगानी पड़ती है तकरीबन 2500 वाली, और वो जगह भी बहुत घेरती है, फिर उसकी मेंटेनेंस भी बहुत है, तो उस हिसाब से ये बहुत बेहतर बैटरी है। और इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी कि चार्ज ये बहुत जल्दी हो जाती है, और इसका जो बैकअप है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर सेल लगे होते हैं, तो वो जो जेल वाले इसके अंदर सेल्स होते हैं वो उसकी ये खासियत होती है कि वो जल्दी चार्ज होती है, और इसकी जो बैकअप होता है वो बहुत अच्छा होता है, पूरा ये इसके 100 एम्पीयर कंप्लीट होते हैं, पानी वाले के जो बताते हैं 100 एम्पीयर वो पूरे नहीं होते।
तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी बैटरी। अगर आपकी बजट है तो आप जो है बजट के हिसाब से नाडा बैटरी लगाएं या कोई और कंपनी लगाएं, लेकिन लगाएं लिथियम बैटरी। तो ये 48 वोल्ट के अंदर 100 एमए की लिथियम बैटरी आ गई है, डीबी बॉक्स आ गया ये। इसके अलावा ये हमने लगा दिया सोलर सिस्टम, हाई वोल्टेज रेंज के अंदर जाते हैं, टेस्ला वालों का बहुत ही अच्छा ये भी इन्वर्टर है सोलर का। तो दुआ में याद रखिएगा, आराम से सिस्टम लगाना चाहते हैं नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।